ओके सो इस लेक्चर में हम फंक्शन पहचानेंगे कैसे है या नहीं है। हाँ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वो देखते हैं। जैसे मान लो ये ऐसा बना हुआ है ना। सो एक ग्राफ है मेरे पास ऐसा कुछ। सो दिस इज वाई, दिस इज एक्स। तो इधर वाई एक्सिस पे मैं एफ एक्स को रिप्रेजेंट करूंगा और इधर एक्स को, ठीक है। तो इनपुट के साथ कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट की कैसे चेंज हो रही है वो मान लो। एक सिचुएशन ऐसी है, दूसरी सिचुएशन कुछ ऐसी है, ठीक है, तीसरी सिचुएशन कुछ इस तरीके से, और एक और सिचुएशन ले लेते हैं, चलो ठीक है, एक और सिचुएशन ले लेते हैं। एक और सिचुएशन ले लेते हैं, तो ये कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, मान लो पांच छह है ना। अब इसमें कौन सा फंक्शन है, मतलब कुछ इनपुट वर्सेस आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई है, कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है ये देखना है अपने को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्या करना है, एक लाइन बनानी है, ठीक है, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो। वो लाइन किसके पैरेलल होनी चाहिए, वाई एक्सिस के, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे यह पता चलेगा कि जो इनपुट मेरा एक ही है, उस इनपुट पे अगर मैं जा रहा हूं तो कितने आउटपुट मिल रहे हैं। देखो एक ही मिल रहा है हर बार, हर बार आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो ये फंक्शन हो गया। फिर इधर देखो, आपने ऐसे ही बनाया लाइंस, इधर एक दो है ना, आपको एक एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो ये भी फंक्शन हो गया। यहां देखते हैं, यहां पर मैंने जैसे ही एक लाइन बनाई तो मुझे दिख रहा है कि यार एक इनपुट है और दो आउटपुट है, एक इनपुट पे दो आउटपुट फंक्शन नहीं हो सकता है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। एक इनपुट पे दो आउटपुट है तो फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली ये कुछ ऐसा लिखा, तो यहां भी मैंने अगर एक लाइन बनाई वाई एक्सिस के पैरेलल तो मुझे दिख रहा है कि यार यहां पे और यहां पे दो आउटपुट आ रहे हैं सिंगल इनपुट, तो ये क्या हो गया, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। फिर यहां देखते, यहां पे शायद आपको दिख जाएगा, अच्छा ये तो मेरे ख्याल से एक ही इनपुट मिल, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन हो गया। अच्छा यहां देख लो, यहां भी ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये भी फंक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक इनपुट पे दो आउटपुट मिलेंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है तो फंक्शन हो रहा है। Got it? Okay. क्योंकि मैं यहां पर लाइंस आपको वर्टिकली वर्टिकली लाइन खींच रहे हैं, है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो इसलिए इसका नाम वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक एग्जांपल्स हैं। तो पहला एग्जांपल है, डोमेन पे लिया है, तो डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। रियल वैल्यूड का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन की वैल्यू जो भी इनपुट है, जो भी कुछ भी है, वो रियल होना चाहिए। अब यहां पर आप कोई भी रियल नंबर रखो, ये हमेशा वैलिड हो जाएगा, लेकिन x इज इक्वल टू जीरो रखने पर प्रॉब्लम है, 1/0 नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब इसका डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ देंगे। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू रूट ऑफ एक्स माइनस वन। अच्छा रूट रियल कब होगा, जब अंदर वाला नंबर पॉजिटिव हो, मतलब एक्स माइनस वन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू वन टू इंफिनिटी। ओके थर्ड इज एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। अब वापस यही चीज, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो अब की बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया, अंदर क्वाड्रेटिक लिख दी, तो इसको मैंने ऐसा लिख दी। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस या वन प्लस एक्स। अब आप ये बताएं कि 1 माइनस एक्स जो लिखा हुआ है इसमें वेरिएबल के साथ नेगेटिव नंबर, तो मैंने क्या किया, माइनस वन से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। सो आई विल गेट इट लाइक दिस, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब वापस नंबर लाइन बनाएंगे। अगर किसी को इनइक्वालिटीज नहीं आती है तो इनइक्वालिटीज के लेक्चर है क्लास 11 सेक्शन में, वो देख लें आपको आ जाएगा।
सो दिस इज वन, दिस इज माइनस वन, दिस इज वन, सो प्लस माइनस एंड देन प्लस. तो मुझे ये चाहिए था तो मैंने ये उठा लिया. आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस माइनस वन टू वन. देन फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू log x. लॉग एक्स जो है, अब log x तभी डिफाइंड होता है, अच्छा जब भी अगर बेस नहीं दी हो मान लो, तो बाई डिफॉल्ट इसको 10 ले लेना है, ठीक है. तो log x लिखा हुआ है. अब log x तभी डिफाइंड होता है जब ये वाला नंबर पॉजिटिव होता है, मतलब x ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 टू इनफिनिटी. दैट्स इट. ओके, एक और पांचवा एग्जांपल, log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, अब वापस वही चीज, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को पॉजिटिव कर देते, तो इसका मतलब x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, फैक्टराइज कर सकते हैं शायद, x माइनस 3 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो वापस बना लो 2 और 3, तो 2 इधर बन गया, 3 इधर बन गया, प्लस माइनस प्लस, मैंने ये उठा लिया विद अ सर्कल. क्यों सर्कल? क्योंकि ये दोनों नहीं उठाने, इक्वेलिटी नहीं है. तो आंसर इज x बिलोंग्स टू 2 टू 3. एक और एग्जांपल कर लेते हैं लॉग पे, थोड़ा अलग. fx इज इक्वल टू लॉग बेस x, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है. अब ये जो fx की वैल्यू है, ये लिखा हुआ है. अब ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन. x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो देख लेते हैं भाई, ये आएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 आएगा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, विच इज माइनस 1, 3 प्लस माइनस और प्लस. तो मुझे ये उठाना पड़ेगा. अच्छा, मुझे ग्रेटर देन 0 उठाया, तो ऑब्वियसली मैंने ये उठा लिया, ठीक है. अच्छा, यहां पे एक मिनट, यहां पे एक गड़बड़ हो गया है. एक मिनट बेटा, इधर देखो, इधर भी पॉजिटिव चाहिए था, सॉरी, इधर भी पॉजिटिव चाहिए था, तो ये आंसर होगा. दैट इज, आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, प्लस चाहिए था, प्लस चाहिए था, तो यहां पर प्लस चाहिए था, तो मैंने पॉजिटिव वाले उठा लिए, ठीक है. एक गड़बड़ हो गई थी, इसको सही कर लेंगे. हाँ, यहां पे वापस आ जाते हैं. x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव वाला उठाया तो माइनस 1 से छोटा और 3 से बड़ा, तो ये उठा लिया. अच्छा, अभी इसको लिखना नहीं है. क्यों नहीं लिखना? क्योंकि अभी देखते हैं, ये भी बचा हुआ है. सेकेंड कंडीशन क्या आएगी, x को पॉजिटिव होना पड़ेगा एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 1. क्यों? क्योंकि बेस 1 नहीं हो सकती लॉगरिथम की, तो x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो 0 ही रहा. 0 से मैंने आगे लिया इसको, तो ऑब्वियसली जो इंटरसेक्शन आएगा पहले केस और दूसरे केस का, इंटरसेक्शन क्यों? क्योंकि ये होना भी जरूरी है और ये होना भी जरूरी है, ये दोनों को होना जरूरी है, इसलिए इंटरसेक्शन लिया. तो आंसर जो फाइनली आने वाला है, दैट इज x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी. अब इस 3 टू इंफिनिटी में क्या मेरे पास 1 आ रहा है? नहीं आ रहा. अगर आता तो हटा देते, नहीं आ रहा है तो नहीं हटाने की जरूरत है. फाइन, लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल, सेवेंथ एग्जांपल. दैट इज fx इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 3 बाय x. अब इधर तो ये वाला नंबर, अच्छा ये तभी फंक्शन डिफाइंड होगा जब ये और ये तभी डिफाइंड होगा जब ये दोनों डिफाइंड हो, ठीक. इसका मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया, तो ऐसा लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव साइन के साथ, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0. एंड यहां पर, अच्छा यहां पर मुझे मिल गया माइनस 2, इधर मिल गया 2, प्लस माइनस एंड प्लस, दैट मींस लेस देन 0 चाहिए मुझे, ये उठा लिया मैंने. और यहां से x नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, सेकेंड केस, x क्या चाहिए, 0, 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो. तो इसका मतलब आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 2, ये पूरा ले लेते हैं माइनस 2 से 2, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, 0 आ रहा है इसमें, 0 को अलग कर दो, 0 को हटा दीजिए. ओके, एग्जांपल नंबर 8 पे चलते हैं. x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अंडर रूट के अंदर है ना, अंडर रूट के अंदर, तो ये पूरा नंबर क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव. x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वापस से नंबर लाइन बनाई, माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो मैंने ये उठा लिया, ठीक है. अच्छा, ये मैं क्यों उठा रहा हूं, 1 को क्यों उठा सकता हूं, क्योंकि 1 न्यूमिनेटर पोर्शन में, और माइनस 1 नहीं उठाना है. क्यों नहीं उठाना है? क्योंकि वो डिनोमिनेटर पोर्शन में, ये 0 हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी. नेक्स्ट एग्जांपल, fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1.
यार अब वापिस वही चीज है ना। अच्छा ये सारे इजी एग्जांपल्स हैं अभी फिलहाल तो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और अब मैंने आपको इनइक्वालिटी सेक्शन के वीडियो देखेंगे आप तो उसमें मैंने ये बताया कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके लिखी हुई है, इसका ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्या होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हमेशा पॉजिटिव। तो लेट्स चेक इट्स ए, ए इज वन ओवर हियर, बी इज ऑल्सो वन एंड सी इज ऑल्सो वन, सो ए इज पॉजिटिव। लेट्स चेक डी, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी की वैल्यू वन, वन का स्क्वायर वन माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, दैट इज वन माइनस फोर इज माइनस ऑफ थ्री, माइनस थ्री आ रहा है। डी का वैल्यू माइनस थ्री मतलब डी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब डी क्या हो गया? नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, ये जो फंक्शन, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये हमेशा पॉजिटिव हो गया और मुझे हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए, ये नंबर मुझे हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू भी चलेगा है, मुझे हमेशा पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया x बिलोंग्स टू r, आप x को कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दो, ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। टेंथ क्वेश्चन, वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स, अगर ये लिखा हुआ है क्या करें इसमें? डिनोमिनेटर को जो अंदर लिखा हुआ है इसको क्या कर देते हैं? पॉजिटिव कर देते हैं। एक्स माइनस मॉड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। इक्वेलिटी क्यों नहीं ली? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए देखो मॉड एक्स लिखा हुआ है तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए केसेस ले सकता हूं। कौन कौन से केसेस? एक बार एक्स को पॉजिटिव ले लो और एक बार एक्स को नेगेटिव, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी। अच्छा चलो ठीक है करते हैं, वैसे ही करते हैं, सिंपल तरीके से करते हैं। तो केस नंबर वन, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, सी एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज जीरो ग्रेटर देन जीरो, ऐसा तो नहीं होता, वैसे ये हर बार जीरो हो जाएगा और मुझे जीरो पे इक्वेलिटी चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब ये एक्स पॉजिटिव नहीं रख सकता मैं कभी भी। एक्स को अगर मैंने पॉजिटिव रखा तो मेरा आंसर कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों हमेशा से वन माइनस वन, टू माइनस टू, जीरो आ रहा है हर बार और जीरो में आ ले नहीं सकता, तो इसका मतलब यहां से तो आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू फाइव, कुछ भी नहीं आएगा। दूसरा केस क्या लिया? दूसरा केस लिया जब एक्स मेरा नेगेटिव हो जाए, एक्स नेगेटिव हो गया, x अगर नेगेटिव नंबर हो गया तो क्या होगा? यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा x ऐसा का ऐसा, लेकिन मॉड किसके साथ खुल जाएगा? मॉड खुल जाएगा किसके साथ? माइनस के साथ। तो माइनस ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, दैट इज 2x ग्रेटर देन 0, व्हिच मींस x इज ग्रेटर देन 0, आपको मिल रहा है x ग्रेटर देन 0, कब? जब x लेस देन 0 हो। ये दोनों के साथ, ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, कभी होंगी क्या साथ में? x नेगेटिव भी है x पॉजिटिव भी है, साथ साथ हो जाएगा क्या? कभी कभी नहीं हो सकता साथ साथ। इसका मतलब यहां से भी आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5। इसका मतलब फाइनली इस फंक्शन का जो पूरा डोमेन आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू 5, मतलब आप कुछ भी नहीं रख सकते इसमें, x की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती यहां पे, ठीक है? यहां पे x की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। ओके तो ये थोड़े से पहले 10 एग्जांपल्स तो थोड़े इजी थे, ये 11 से दो चार एग्जांपल्स और लेते हैं, ये थोड़े से डिफिकल्ट बट ठीक है, एक दो बार कंडीशंस लगानी पड़ेंगी इनमें। पहली कंडीशन क्या लगाएंगे? ये जो नंबर लिखा हुआ है अंदर, ये जो भी नंबर लिखा हुआ है ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। कंडीशन वाइज चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस 16 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि ये वाला लॉक तभी डिफाइंड हो पाएगा, ये वाला लॉक तभी डिफाइंड हो पाएगा जब ये नंबर पॉजिटिव हो। अब ये नंबर पॉजिटिव है, चेक कर लेते हैं भाई, इस नंबर में मुझे ए की वैल्यू 1 मिल रही है, बी की वैल्यू माइनस 5 मिल रही है और सी मिल रहा है 16। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं तो दैट इज 25 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 25 माइनस 16 इंटू 4, सो 16 फोर सा 64, दैट मीन्स मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने वाला है। अगर ये डी नेगेटिव हो गया ए पॉजिटिव हो गया तो वापस वही कंडीशन, ये नंबर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब यहां से आ गया x बिलोंग्स टू r, आप x को कुछ भी रख दो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पहली कंडीशन। दूसरी क्या कंडीशन होगी? दूसरी कंडीशन होगी ये जो लॉक, इस वाले लॉक के लिए जो नंबर लिखा हुआ है
वो नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस 16, ये नंबर होना चाहिए पॉजिटिव। अब मैं इसको उधर ले जाता हूं, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस 16 इज ग्रेटर देन माइनस 1। और अब अगर माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया तो मुझे मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस 16 इज लेस देन 1। और मुझे यह पता है इसकी बेस 10 है, कुछ नहीं है तो 10 है अगर इसकी बेस, तो ये जो 10 है ये इधर जाएगा, तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? नहीं होता है। जब नंबर 1 से बड़ा होता है बेस में तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है लॉग की। ये लॉग की इनइक्वालिटीज में मैंने बताया हुआ है। अब आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस 16 इज लेस देन 10 टू द पावर 1, दैट इज 10 ओनली। और इस 10 को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस 16 माइनस 10 इज लेस देन 0, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस 6 लेस देन 0, विच इज एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड लेस देन 0। फाइनली 2, 3 प्लस माइनस प्लस, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू 2 टू 3। और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। हेंस द आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू 2 टू 3, 2 से 3 आंसर हो गया। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos of x minus 1, fx is equals to 2 cos of x minus 1, ये मुझे सॉल्व करना है। अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ये जो नंबर है, ये नंबर किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से। That means 2 cos of x minus 1 greater than equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि cos of x greater than equal to 1 by पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने 2 से यहां पे डिवाइड कर दिया है। तो cos x greater than equal to 1 by 2। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए वी नीड ग्राफ। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज का लेक्चर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे, पर मैं फिर भी यहां बता रहा हूं कैसे करते हैं। देखें, cos of x is greater than equal to 1 by 2, तो आप इसका ग्राफ बना लो। बनाते हैं cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा cos of x का ग्राफ। ये मैंने क्या किया, और एक लाइन बनाई y इज इक्वल टू 1 बाई टू। ये लाइन है y इज इक्वल टू 1 बाई टू, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 1 बाई टू, एंड दिस इज cos of x। दिस पर्पल और पिंक लाइन इज cos of x। नाउ मुझे क्या चाहिए? इसका ग्राफ इस लाइन से ऊपर, क्योंकि cos x अपनी वैल्यूज को 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है। ये क्लास 11th की चीजें हैं, 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो मैं इसका एक सेक्शन ले रहा हूं जिसकी लेंथ कितनी है? 2 पाई। ये है माइनस पाई और ये वाली वैल्यू है पाई। तो इस सेक्शन को मैंने लिया जो कि लेंथ कितनी लेंथ का था? 2 पाई लेंथ का था। उस सेक्शन में देखूंगा जो कुछ उसमें होगा वही कुछ आगे भी होगा, ठीक। जो कुछ उसमें होगा, जो फंक्शंस अपने आप को रिपीट करते हैं किसी पर्टिकुलर लेंथ ऑफ इंटरवल के बाद, ठीक है, उनको हम कुछ स्पेशल नाम देते हैं, वो हम आगे देखेंगे फंक्शन के लेक्चर में। फिलहाल के लिए ये इंटरवल मैंने ले लिया माइनस पाई से पाई। आप बोलेंगे सर मैं 0 से 2 पाई भी ले सकता था। बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। इन दैट केस आंसर कंटिन्यूअस नहीं आता, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिया माइनस पाई से पाए। तो यहां पर मुझे ये जो लाइन है cos x इज इक्वल टू ये cos इज इक्वल टू 1 बाई टू y इज इक्वल टू 1 बाई टू, इस लाइन से ऊपर कब मिल रहा है ग्राफ? क्योंकि cos x का वैल्यू 1 बाई टू से ऊपर चाहिए। तो ये आई थिंक कि यहां मिल रहा है, यहां ये वाला सेक्शन। अच्छा, 1 बाई टू कब होता है वो भी लिख लेते हैं यार। कौन सी वैल्यू होती है 1 बाई टू पे? मतलब पाई बाय 3 होता आई थिंक, और ये वाला हो जाएगा माइनस का पाई बाय। So the answer will be x between minus pi by 3 to pi by 3। यहां से लेकर यहां तक आप जाओगे, आप इधर कहीं भी हो, मान लो आप यहां पे खड़े हो, तो यहां से कहीं भी अगर मुंडी उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये ग्राफ जो है मेरा cos का वो हमेशा 1 by 2 से
ऊपर है, हमेशा ऊपर है या तो फिर उसके बराबर है। ठीक, इससे आगे जाओगे तो फिर आपको नीचे मिल जाएगा ग्राफ, इसके बीच में तो आपका हमेशा बराबर है, इसका मतलब x की वैल्यू ही आ गई। लेकिन लेकिन क्या सिर्फ यही आंसर होगा? नहीं, यही आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे भी तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। देखो इधर, इधर देखो, इसके आगे भी ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसके पीछे भी ग्राफ ऊपर जाएगा जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर लिखने के लिए मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 2n पाई जोड़ता हूं। क्या करता हूं, दोनों तरफ 2n पाई ऐड करूंगा, दोनों तरफ 2n पाई ऐड करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखूंगा, हर एक इंटीजर, मतलब अगर आपने n को इंटीजर लिया, यही इंटरवल 2 पाई लेंथ के बाद वापस आ जाएगा, यही सेम इंटरवल फिर से 2 पाई लेंथ के बाद वापस आ जाएगा। मतलब अगर n की जगह 1 रख दूंगा तो ये वैल्यू मिलेगी 2 पाई प्लस पाई बाई 3, और ये वाली वैल्यू मिलेगी 2 पाई माइनस पाई बाई 3, और वो आपको यहां दिख रही है, ये वैल्यू 2 पाई है, उससे पाई बाई 3 कम और उससे पाई बाई 3 आगे। तो इसलिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज है वो हमें ऐसे ही सॉल्व करनी पड़ेंगे ग्राफिकल मेथड से, है ना, अदरवाइज आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है वैसे तो, ये आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहली कंडीशन तो यही कर लेते हैं यार, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 दैट इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब आप समझें इस बात को कि ये माइनस 4 हो गया और ये प्लस 4 हो गया और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो मैंने इसको इस तरीके से, मुझे लेस देन जीरो चाहिए था तो मैंने ये उठा लिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, आगे मुझे भी जरूरत पड़ेगी इसकी, तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे कर दिया। तो दिस इज 4 एंड इसके आगे चला गया तो ये वाली वैल्यू मुझे मिल गई माइनस 4 से प्लस 4। अभी इसे छोड़ देते हैं यहाँ पे। दूसरा, दूसरा क्या पार्ट होगा सर? दूसरी कंडीशन होगी साइन एक्स को पॉजिटिव करना। बिल्कुल सही बात है, साइन एक्स को क्या करना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना। तो साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, तो बना लेते हैं, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब इस तरीके से कुछ बनने वाला है। ठीक है, तो मुझे जो जरूरत है वो मैंने ले लिया जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई लेंथ मैंने ले ली। इस लेंथ में जीरो जीरो y इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दिस लाइन, ये जो व्हाइट लाइन है, ये जो व्हाइट लाइन है, ये मेरा y इज इक्वल टू जीरो है। जैसे पिछले क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 1/2 बनाया था, वैसे ही इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू जीरो बनाया है मैंने। अब आप देखें तो साइन थीटा, जो साइन x है, साइन x है वो जीरो से बड़ा कब है? इधर बड़ा है, इस वाले हिस्से में बड़ा है। तो इसका मतलब जीरो से दिस वैल्यू इज पाई, इसका मतलब एक्स इज बिटवीन जीरो टू पाई। सही बात है, जीरो से पाई आ गया, जीरो से पाई। अब लेकिन क्या सिर्फ इतनी वैल्यू होगी? अच्छा, मैंने टू पाई लेंथ क्यों ली? क्योंकि टू पाई के बाद रिपीट करेगा ये। तो जीरो से पाई जो लिखा हुआ है, ये नंबर, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब ये वाली चीज आगे जाएगी, फिर से आगे जाएगी, मतलब अब मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 2n पाई लिखना पड़ेगा। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि इतना ही आंसर नहीं छोड़ सकता हूं, बिकॉज आगे भी इंटरवल्स मिलेंगे। तो दिस इज द आंसर। अब इसको और इसको सॉल्व करना रह गया बस, बाकी मैंने इसको सॉल्व कर लिया अलग से, इसको सॉल्व कर लिया अलग से। अब प्रॉब्लम आएगी कि मैं आंसर एग्जाम में लिखूंगा कैसे। तो एग्जाम में लिखने के लिए कैसे, ये इसके नीचे मैंने एक और नंबर लाइन बनाई, बना दी नंबर लाइन। तो ये जो नंबर लाइन बनाई हुई है, इस नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे मैं जीरो से पाई, जीरो कहां है, ये रहा जीरो। ठीक है, और पाई कहां आएगा? अच्छा, जीरो से पाई, अगर मैंने एन को जीरो रखा, फॉर एन इज इक्वल टू जीरो, जीरो से पाई, पाई इधर आएगा। अब आप पूछेंगे क्यों आएगा, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14, तो ये 3.14 4 से कम आएगा, तो मैंने ये उठा लिया। अच्छा, फिर अगर n को 1 रख दूं, n को 1 रख दूं, तो इधर क्या आएगा, 2π, 2π यहां आ जाएगा, और इधर कितना आएगा, 3π, 3π कुछ यहां आ जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये 3π हो गया और ये 2π हो गया,
तो आपको शायद समझ आ रहा होगा क्योंकि मुझे चाहिए इंटरसेक्शन, मुझे क्या चाहिए इंटरसेक्शन, तो ये तो किसी काम का ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे और भी वैल्यूज रखूंगा मैं, दिस इज फॉर एन इज इक्वल टू वन, अगर मैं आगे वैल्यूज रखता चला जाऊंगा तो ये तो किसी काम का ही नहीं है क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं, मैं क्यों करूं इतनी मेहनत ऑब्वियसली। फिर अगर n की जगह माइनस वन रखते हैं आप, तो देखें इधर मिलेगा माइनस टू पाए, इधर मिलेगा माइनस का टू पाए और इधर मिलेगा माइनस का पाई। क्या मिलेगा? माइनस का पाई फॉर n इज इक्वल टू माइनस वन। अच्छा, आपको एक और बात क्लियर हो रही होगी कि इसके पीछे वाले इंटीजर्स रखने का भी कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर भी इंटरसेक्शन कुछ नहीं मिलेगा, इधर कुछ मिलने वाला नहीं है इंटरसेक्शन, तो जहां इंटरसेक्शन मिलेगा वही मेरे लिए फायदेमंद है। तो यहां अच्छा ये माइनस पाई कैसे, माइनस 3.14 ऑब्वियसली, माइनस 4 माइनस 3.14, तो ये एक इंटरसेक्शन हो गया और दूसरा इंटरसेक्शन ये हो गया। दैट मीन्स द आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू, मैं आंसर इधर लिख देता हूं, आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू बताओ जरा इधर से देख के, माइनस 4 से माइनस पाए, माइनस 4 से माइनस पाए यूनियन 0 से पाए यूनियन 0 से पाए। अब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि इसमें कितने इंटीजर हैं, कितने इंटीजर पॉजिटिव हैं, है ना, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो आई थिंक अगर ये आपको पता है तो आप ये बता ही दोगे कि कितने इंटीजर हैं कितने नहीं है, है ना। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स पूछेगा तो 0 से 3.14 के बीच में 1, 2, 3, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी डोमेन का आंसर यही होगा, ठीक है, ओके। ये 14th क्वेश्चन है, 14th एग्जाम्पल। अब ये जो इस टाइप का सवाल है ये प्योर जे एडवांस टाइप क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं, है ना। पहली चीज कि x पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जो बेस है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और दूसरी बात, x 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 1 अगर हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी लॉग के अंदर। सेकंड थिंग दूसरी चीज ये जो नंबर जो कुछ भी लिखा हुआ है cos, है ना, cos 2πx ये नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, ये नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम कुछ इन चीजों को लिख लेते हैं। तो पहला और दूसरा लिख लिया मैंने, एक और चीज देख लेते हैं, है ना, इस साइड में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर एक और चीज लिख लेते हैं। ये जो थर्ड कंडीशन आएगी दैट विल बी log cos ऑफ 2πx टू द बेस x दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये किस लिए आएगी, क्यों आएगी ये इसलिए आएगी क्योंकि ये जो नंबर लिखा हुआ है रूट के अंदर वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब मुझे ये तो पता है, अब मेरे पास बेस एक्चुअली वेरिएबल है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये मुझे पता है कि एक्स क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और दूसरी बात ये मुझे पता है कि अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें मुझे क्या क्या मिल सकता है वो देखते हैं। अगर x मेरा 0 से 1 रहा, मतलब x 0 से 1 के बीच में है, ठीक, तो क्या करेंगे x अगर 0 से 1 के बीच में है, तो ये जो इनइक्वेलिटी है, ये इनइक्वेलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवर्स, मतलब cos 2πx इज लेस देन इक्वल टू x टू द पावर 0, दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 cos 2πx, ठीक है, जरा इसको छोड़ देते हैं। अब अगर x 1 से बड़ा है, अगर x 1 से बड़ा है तो क्या होगा, तो होगा cos 2πx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू x टू द पावर 0, क्योंकि इस बार इनइक्वेलिटी रिवर्स नहीं होगी, बेस 0 से 1 होने पर इनइक्वेलिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, और बेस 1 से बड़ी होने पर नहीं होती। तो आपको मिल जाएगा cos 2πx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप मुझे खुद बताओ कि cos 2πx 1 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इकलौती एक ही कंडीशन बचती है, cos 2πx 1 हो जाए जब, cos 2πx क्या हो जाए, जब 1 हो जाए, एक ही कंडीशन बचेगी, क्योंकि 1 से बड़ा होगा ही नहीं cos थीटा, कभी भी कुछ भी कर लो। इसका मतलब यहां से सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, यहां से सॉल्यूशन मिलेंगे
कॉस कॉस 2 पाई x इज इक्वल्स टू कॉस 0 दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा दैट इज 2 पाई x इज इक्वल्स टू 2n पाई एंड पाई एंड पाई गॉन 2n टू ऑल्सो गॉन तो x इज इक्वल टू n बट विद द कंडीशंस x ग्रेटर देन 1 विद द कंडीशन x ग्रेटर देन 1 x 1 से बड़ा है और n क्या है इंटीजर है सो x इज इक्वल्स टू n लिखा यहां पे मैंने लिख दिया n मस्ट बी ग्रेटर देन 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्यों लिखा ऐसा मैंने अब आप सोच सकते हो ना ऐसा क्यों लिख दिया सर आपने नेगेटिव वाले इंटीजर क्यों नहीं लिए ऑब्वियसली नेगेटिव इंटीजर क्यों नहीं लिए ये सवाल आएगा ये सवाल का आंसर यहां लिखा हुआ है देखो इधर क्या लिखा है x पॉजिटिव है तो मैं हर बार बात पॉजिटिव की करूंगा मैं क्यों नेगेटिव की बात करूंगा तो इसका मतलब x इज इक्वल टू n यहां से ये वाले केस का आंसर मुझे ये मिल गया लेकिन अब आप इस केस पे भी आपको आना पड़ेगा है ना इस केस पे भी आना पड़ेगा और ये केस मैंने सॉल्व कर दिया यहां पे मैंने लिख दिया कि भाई x की वैल्यू n होगी फॉर n इज ग्रेटर देन 2 एंड n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर n एक नेचुरल नंबर है मतलब 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रखोगे ये वैलिड हो जाएगा ठीक है अब यहां पे आते हैं इस वाले पे आते हैं ये क्या लिखा है 0 से 1 के बीच में है x ठीक है x किसके बीच में 0 से 1 के बीच में तो cos 2 पाई x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर ये मुझे मिल जाएगा अब मेरे को इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफ बना बिना ग्राफ के थोड़ी सॉल्व कर सकता हूं या फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों नहीं पड़ेगी ये देखो क्योंकि इधर लिखा है 1 और अगर इधर 1 लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये तो हमेशा ट्रू होगा ना कॉस थीटा 1 से तो छोटा ही होगा ना यार कुछ भी कर लो तो इसका मतलब इसका आंसर तो यही है 0 से 1 नहीं आया समझ फिर से देख लेते हैं cos 2 pi x is less than equal to x to the power 0 cos 2 pi x is less than equal to 1 अब मैं ग्राफ बनाता लेकिन मैं ग्राफ क्यों बनाऊंगा भाई जब मुझे पता है कि cos थीटा 1 से छोटा होगा हमेशा होगा पक्की बात है हमेशा होगा ये कुछ भी ले लो तो जब मुझे ये पता ही है तो फिर मैं सीधी सी बात है ना 0 से 1 के बीच में तो इसका आंसर तो ये 0 से 1 ही आएगा ऑब्वियसली x बिटवीन 0 टू 1 और यहां से मुझे मिलेगा x ग्रेट ये वाला मुझे यहां से मिल गया और ये वाला सॉल्यूशन मुझे यहां से मिल गया x बिटवीन 0 टू 1 ठीक है तो ये मैंने लिख दिया इधर दिस या तो आपको ऐसा मिलेगा या फिर आपको ऐसा मिलेगा समझ आया कि या तो बेस 0 से 1 के बीच की होगी या फिर बेस 1 से बड़ी होगी इसलिए जब भी बेस वेरिएबल के केस आते हैं लॉग में तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ता है उसको फाइन तो ये आई थिंक दिस इज क्लियर तो इसका आंसर आ गया 0 से 1 इसका आंसर आ गया x belongs to x is equal to natural number for n greater than equal to 2 now इधर देखते हैं अब ये हो गया इससे मैंने ये दोनों चीजें निकाल ली ये एक और चीज कर लेना है cos 2 pi x क्या है cos 2 pi x क्या है पॉजिटिव है तो इसमें तो ग्राफ बनाना पड़ेगा यार ये तो मजबूर है ना अब इसमें मैंने क्या किया cos का ग्राफ बना लिया कुछ ऐसा बनेगा है ना अब cos थीटा पॉजिटिव होता है मतलब y इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन ये रही चलो इसको मैं इधर से बना देता हूँ येलो लाइन से बना देता हूँ तो इससे बड़ा ये रहा मैंने वापस माइनस पाई से पाई का इंटरवल ले लिया तो ये मुझे मिल गया ये दैट मीन्स x 2 पाई x पर ग्राफ जब आप बनाए ना एक चीज देख लें जब भी ग्राफ बनाए तो इसको थीटा मान लें क्या मान लें थीटा तो ये जो ग्राफ है वो कॉस ऑफ थीटा वर्सेस थीटा का है ठीक कॉस थीटा वर्सेस थीटा का है तो यहां पर मुझे मिल रहा है थीटा फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू गॉट इट यहां मुझे मिल रहा है थीटा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ये कॉस 2 पाई एक्स वर्सेज एक्स का ग्राफ नहीं है ठीक तो कॉस थीटा वर्सेज थीटा का मान लिया मैंने और मैंने थीटा को रख दिया है 2 पाई एक्स तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था अभी इसमें तो इसमें माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है अब इधर पे जो बना हुआ है यहां माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो मैंने इधर लिख दिया थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई और दोनों साइड
टू एन पाई ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा कॉस का ग्राफ है तो 2n पाई दोनों तरफ मुझे ऐड करना ही पड़ेगा। और थीटा की वैल्यू अब मैं क्या डाल दूंगा, 2 पाई x, क्या डाल दूंगा, 2 पाई x, तो मुझे मिल जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, और यहां पर भी 2n पाई, यहां माइनस पाई बाई 2। अब आप देखें तो दिस इज 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 पाई x, दिस इज 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और ये पाई और ये पाई उड़ा दो, उड़ा दिया तो क्या बचा, और इस 2 को नीचे चिपका देते हैं तो दैट मीन्स दिस इज 2 पाई, x बिलोंग्स टू 4n प्लस 1 अपॉन 4 टू 4n माइनस 1 अपॉन 4 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका मतलब ये मेरे को सॉल्यूशन मिल गया सेकंड केस का। तो पहला केस मैंने सॉल्व कर लिया, दूसरा केस मैंने सॉल्व कर लिया, तीसरा केस भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब बची बात इन सब को कंबाइन करने की, इन सब के इंटरसेक्शंस लेने की। तो जो पहले आसान है वो करते हैं। आसान क्या है, जो पहले फर्स्ट और थर्ड केस का इंटरसेक्शन ले लेते हैं वो ज्यादा ईजी है। सबसे पहले मैं केस वन और थर्ड का इंटरसेक्शन लूंगा, ठीक है। तो केस वन है, फर्स्ट केस में एक्स ग्रेटर देन जीरो है, सेकेंड केस में है एक्स बिटवीन जीरो से वन, यूनियन एक्स इज इक्वल टू एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये है, ये सेकेंड केस का आंसर है और ये फर्स्ट केस का आंसर है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो मेरा आंसर आएगा एक्स बिटवीन जीरो टू वन यूनियन, यही चीज आ जाएगी आंसर, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, जीरो से वन ग्रेटर देन जीरो, तो ये देखो जीरो से वन भी सेटिस्फाई हो रहा है, और एक्स इज इक्वल टू एन मतलब यहां पर यूनियन एक्स इज इक्वल टू एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मेरा आंसर यहां पे हो गया। तो ये मेरा सेकेंड और फर्स्ट केस का दोनों का कंबाइंड आंसर आ गया मेरा, ठीक है। मैं इसको अभी इधर छोड़ देता हूं, अब मैं इसको और इसको कंबाइन करूंगा, इसको और इसको। अब वो कंबाइन करने के लिए मुझे बनानी पड़ेगी नंबर लाइन, मुझे क्या बनानी पड़ेगी नंबर लाइन, तो मैंने बनाई नंबर लाइन। सो मैं उस वाले को मैं सॉल्व करता हूं, तो 4n प्लस 1 और 4n माइनस 1, तो अगर मैंने n को जीरो रख दिया, n को जीरो रख दिया तो यहां से मुझे मिलेगा माइनस 1 बाई 4, n को जीरो रखा तो माइनस 1 बाई 4 से 1 बाई 4 से 1 बाई 4 फॉर n इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू जीरो मुझे ये मिल जाएगा। अच्छा एक चीज, इधर इक्वेलिटी नहीं हो सकती क्योंकि ग्रेटर देन जीरो चाहिए मुझे, तो इधर मैंने इक्वेलिटी हटा दी सब जगह, है ना, तो इधर सर्कल लगा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें, अब n इज इक्वल टू वन रखें जरा, n इज इक्वल टू वन रखें तो 4 माइनस 1 3 बाई 4 और 4 प्लस 1 5 बाई 4, ठीक है, ये आ गया। अच्छा आप अगर n इज इक्वल टू टू रखने का कोई फायदा होगा क्या, क्यों नहीं होगा, बताता हूं क्यों नहीं होगा। नीचे वाली नंबर लाइन बनाते हैं पहले, दैट मीन्स जीरो से वन, दैट इज जीरो इधर कहीं बीच में आ जाएगा और वन इधर कहीं आ जाएगा, वन, तो ये जीरो से वन हो गया, जीरो से वन हो गया, ठीक है। अब इसलिए नहीं होगा फायदा n इज इक्वल टू टू रखने का क्योंकि इसके बाद के इंटरवल सारे के सारे आगे चले जाएंगे और मुझे कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। अब मेरे को इसको और इसको सॉल्व करना है। अच्छा आप ये सोच रहे होगे कि n जो इंटीजर्स वाला पोर्शन है x इज इक्वल टू n वो कहां चला गया, तो वो यहां लिखा हुआ है 2 3 4, वो सब लिखा हुआ है, ये सब मैं बाद में यूनियन के साथ ले लूंगा, मतलब इसका इधर अगर मैं आगे जाऊंगा तो मुझे ये सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। सो फाइनली इधर ये माइनस 1 बाई 4 से 1 बाई 4 है, ठीक, और ये 3 बाई 4 से 5 बाई 4 है, तो ये तो मेरा आंसर हो गया और ये भी मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नाउ x बिलोंग्स टू, अच्छा ये इसके साथ यूनियन में था, राइट, ठीक है, तो ये आ गया 0 से 1 बाय 4 यूनियन 3 बाय 4 से 1 यूनियन 3 बाय 4 से 1 3 बाय 4 से 1 और
उसके साथ यूनियन 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 इज इक्वल टू एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो फाइनली जो आंसर है वो है 0 से 1/4, 3/4 से 1 और यूनियन एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब एक्स इज इक्वल टू एन, तो एन एक नेचुरल नंबर है. फाइन, अब इसमें मैंने क्या किया था, इसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था. तो अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आया तो आप 2-3 बार इसको पॉज करके और रिवाइंड करके देख सकते हैं. तो पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो केस नंबर 1, 2 और 3 मैंने सॉल्व किए थे उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब आप केस नंबर 1 सॉल्व करो, 2 सॉल्व करो और 3 सॉल्व करो, तो 1 और 3 का इंटरसेक्शन लेने से फायदा हो रहा था कि जल्दी हो जा रहा था. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा. ऑल्दो ये थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बट फिर भी अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा आपको. फाइन, अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं. सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन, 15th एग्जाम्पल. एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 - 5 to the power x upon 7 to the power -x - 7. तो इसमें क्या करेंगे, 1 - 5 to the power x upon 7 to the power -x - 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, है ना. कैसे लिखेंगे, 1 - 5 का power x को ऐसे ही रहने दो और इसको लिख दो 1/7 का power x - 7, है ना, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई किया तो ये मुझे मिलेगा 1 - 5 to the power x upon 1 - 7 to the power x + 1 इंटू 7 to the power x > 0. अच्छा, ये पॉजिटिव नंबर होगा, ऑब्वियसली होगा. क्यों होगा, क्योंकि 7 की पावर x कुछ भी नंबर रखोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पॉजिटिव ही होगा 7 के पावर x. तो इसको हटा दो, हटा दिया तो क्या बचा, 1 - 5 to the power x upon 1 - 7 to the power x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब देखो ये वाला पोर्शन वेरिएबल वाला है और इसके साथ नेगेटिव लिखा हुआ है, तो इस नेगेटिव को पहले चेंज करते हैं. तो 5x - 1 और ऊपर वाला माइनस नीचे दिया तो ये कुछ ऐसा आ गया. अब इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना है. ये नॉर्मल इनइक्वालिटी नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी हो रही है कि इधर भी एक्सपोनेंट है, इधर भी कुछ ऐसा है. अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इसकी 5 to the power x - 1 की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. अगर आपने 0 से बड़ा नंबर रखा तो पहले मैं इसके जीरोस बना देता हूं, ठीक है. ये जो 5 का power x - 1 है, अगर आपने x को 0 से बड़ा दिया तो क्या होगा, 5 की पावर, जैसे मान लो 1 दे दिया, 5 - 1 = 4. तो 0 से बड़े होने पर ऊपर वाला नंबर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, ऊपर वाला नंबर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, ठीक. इसी तरीके से अगर आपने लेस देन 0 दिया तो क्या मिलेगा, जैसे मान लो -1 दे दिया, तो 5 का power -1 मतलब 1/5 - 1, ठीक है, 1/5 - 1 इसका मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मिला इसका मतलब यहां पर लेस देन 0 पे नेगेटिव मिल रहा है, सही बात है, और 0 पे 0 मिल रहा है. तो इसका मतलब ये किस तरीके से बिहेव करेगा, अगर मैं इस इनइक्वालिटी में इसको हटा के सिर्फ और सिर्फ केवल एक्स लिख दूं तो चल जाएगा. तो मैं इस इनइक्वालिटी को वापस लिख रहा हूं, इधर एक्स लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक. और फिर डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है 7 to the power x + 1 - 1 लिखा हुआ है, तो 7 to the power x + 1 जो है -1 है, यस. सो ये कब 0 होगा, मतलब इसको अगर मैंने x + 1 = 7 to the power x + 1 = 1, मतलब 7 to the power x + 1 = 7 to the power 1, मतलब x + 1 = 0, x = -1. तो विद सेम लॉजिक ये -1 से आगे होने पर, बड़ा होने पर पॉजिटिव आएगा और -1 से छोटा होने पर नेगेटिव आएगा. तो ऊपर वाले को जैसे x से रिप्लेस किया, नीचे वाले को x + 1 से रिप्लेस कर लेते हैं और रूट्स बना देते हैं. तो ये 0 हो गया, ये -1 हो गया और ये 0 हो गया, और वापस वही +- लिख दिया. मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए. डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है इसलिए यहां सर्कल आएगा. तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 0 से ∞ आएगा, यूनियन 0 से ∞ आ जाएगा. आपको चेक करना है आंसर सही है या गलत. तो -∞ से -, मतलब -2 रख देते, चलो -2 रख देते हैं यहाँ पे, देखो जरा चेक कर लेते हैं. 1 - 5 का पावर -2,
पॉजिटिव आ जाएगा, 1 - 1/25 ऊपर पॉजिटिव। चलो इधर देखते हैं, माइनस टू रखा तो 7 का पावर 2, 49 - 7 पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये चीज सही है। इधर देख लेते हैं, 0 से बड़ा नंबर रख दो, 1 रख दो, चलो 1, 1 - 5 का पावर 1 नेगेटिव, और 7 का पावर -1 - 7 ये भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी सही है। तो बिल्कुल सही, तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 0 से ∞। ये जो लिखा हुआ है ये आंसर फाइनली मुझे मिल गया। तो 5 questions जो 11 से 15 थे देवर अ बिट डिफिकल्ट, बाकी 1 से 10 वाले देवर इजी, राइट।